हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हम चल पड़े हैं जोकाना धाम के लिए। मेरा फैमिली है, ऑटो ऑटो में बैठ कर हम चल पड़े हैं पूरी फैमिली के साथ। ये हमारी गुड़िया रानी बहुत ही खुश हो रही है, और ये रास्ते में जो है हमें दरिया दिखाई दे रही है। ये अभी हम इस मुल्का में ही हैं, और उसके बाद ये ऑटो सवार लेता निकल रहा है। ये देखो रास्ते में दजा प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलता है। तो उसके बाद हम होते हुए फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए चल पड़े हैं, और ये हम पहुंच गए चुलकाट के गांव में। एक गली में काफी दजा और प्रसाद भी हो रखा हुआ है, जिसको थोड़ा सा लंबा सफर था पैदल का, जिसको पैदल स्टार्ट किया था गलियों में, और उसके बाद थोड़ा सा लंबा सफर था जो अपने पैदल कर चल के जा रहा था। यहाँ से थोड़ा सा हम चल पड़े रास्ते में, मतलब दुकानें हैं, दुकानों पे जो हमें प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से लेके आने की कोई जरूरत नहीं। तस्वीरें वगैरह श्याम बाबा की वो सभी हमें मिल जाएगी। तो ये जो चलते जा रहे थे तो रास्ते में सभी दोनों साइड दुकानें थी, और काफ़ी कुछ रास्ता यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी दिन ने किसी एक पर दिन को ही, एकादशी को ही नहीं, यहाँ पर मतलब डेली ऐसे ही रस होता है, और ऐसे ही आते हैं जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये देखो चले जा रहे थे तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि ये देखो हमारी गुड़िया, तो उनको नई जगह पे जाना था, इसलिए तो कुछ देखने के लिए बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते ही हैं, और ऐसे पैदल भागे भागे जा रहे थे। तो गली काफ़ी संकरी है, मतलब गाड़ी वगैरह वैसे तो चली जाएगी लेकिन वैसे नहीं जाएगी। श्रद्धालु जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए चले जा रहे थे। फिर तो वो हमें जो मंदिर का मेन द्वार गेट दिख गया था यहाँ से, और देखो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पर दुकानों पर काफ़ी चहल पहल थी, और यहाँ पर जो तिलक लगाने के लिए है, और जो यहाँ पर कुछ लेडीज है जो फ्लावर रखे हुए थी। तो ये मेन द्वार हमने यहाँ से एंट्री की, और उसके बाद शूज निकालने के बाद हम चल पड़े हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और अच्छा था ये रहा। तो उसके बाद हमने जो खाटू श्याम महाराज के जो दर्शन के लिए लाइन में लगने की सोची, तो उसके बाद हम चल पड़े हैं अंदर। ये लाइन में लगने के लिए हम चल पड़े हैं, हमारी पूरी सेना चल पड़ी है। और जो ये देखो भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, पर बहुत ही अच्छा था, हारे का शहर ऐसे कहते हैं। और ये देखो हमारी गुड़िया रानी को पाव पूरी सरता दिखा रही है, जो वहाँ पर काफ़ी साउंड हो रही थी। इस तरह श्रद्धालु देखो कितने काफ़ी भर भर के मात्रा में आए हुए थे। ये कोई एकादशी वगैरह नहीं, यहाँ पर डेली ही ऐसे श्रद्धालु थे, कोई गुलाब लेकर आता तो कोई तेजाब वगैरह लेकर आता है, तो श्रद्धालु ऐसे ही आ रहे थे, और बच्चे काफ़ी उत्साहित हो रहे थे देखने के लिए। और जो हमारी गुड़िया रानी बलून लेने के लिए जिद कर रही थी, यहाँ पर लोग पर जयकारे लगा रहे थे। कितना सुंदर दृश्य है अंदर का, हारे का श्याम, जय श्री श्याम बाबा हमारा। अभी लाइन
देखो सावरे का दीदार होना स्टार्ट हो गया था। लाइट काफ़ी लंबी थी फिर भी मेरे को जुम करके पहले उनकी तस्वीर ली, उसके बाद दर्शन के लिए सभी आगे बढ़ते। धीरे धीरे सभी श्रद्धा भी प्यार से आगे बढ़ रहा था, कोई प्रसाद चढ़ रहा था, कोई फूल, कोई दजाग चढ़ रहा था, जिसकी भी जो मन्नतें होती है सभी पूरी होने के बाद सभी उसमें धर्म और हारे का सहारा इसको इसलिए कहा जाता है कि जो सब जगह से हार जाता है उसको सहारा यही देता है। तो यात्रा में प्रसाद वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद ये कुछ रिप्लेस कर सकता है, उसके बाद ये छोटा सा इतनी परीक्षा भी ठीक नहीं है।